आइए देखें कि हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। तो किसी भी एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उस मॉलिक्यूल को बनाने में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में, HF के केस में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 प्लस 9, और ये हो गया 10। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 इन्वॉल्व हैं इस हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल को बनाने में। अब यहाँ ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि हाइड्रोजन के पास केवल एक एटम है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके 1s ऑर्बिटल में रहता है, जो कि यहाँ दिखाया गया है 1s1। ठीक है, ये जो फ्लोरीन है इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ दिखाया गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के केस में ये हो गया 1s2, इससे हायर एनर्जी 2s2, और इससे हायर एनर्जी 2p5। ये 9 इलेक्ट्रॉन्स इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में हैं। अब ये जो ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के बीच में, उसमें ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि इसका हाइड्रोजन का 1s फ्लोरीन के 2p z के साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि यहीं पर बॉन्ड फॉर्मेशन, यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसका, इसमें तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s1, तो ये यही बॉन्ड बनाएगा। और इस केस में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है फ्लोरीन के केस में वो क्या है, वो है 2p z1। तो ये जो 2p z1 है और यहाँ 1s1, तो ये दोनों मिलके ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। तो अब यहाँ हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो दिखाया गया है मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ HF, ये जो रीजन है मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ HF, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले लिखा गया 1s2, फिर है 2s2, और तो ये जो 1s2 और 2s2 ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल ना होकर ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये क्यों है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग नहीं हुई, ये सीधे सीधे, तो इसीलिए यहां पर इस रीजन में ये सीधे सीधे रिप्रेजेंट किया गया, और यहां पर ना तो सिग्मा है ना पाई है, और ये सीधे लिखे गए 1s2 और 2s2, ये आपका 2s2। तो ये 1s2 और 2s2 ये दोनों जो लेवल्स हैं इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल ये नहीं है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल कब बनेगा, जब ये 1s और 2p ये दोनों ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, सिग्मा sp मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब यहां देखिए, जब ये हमें पता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो एक बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार sp। अब यहां पर जो इस मॉलिकुलर ऑर्बिटल को बनाने में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो है 1s ये, और ये 2p, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, और ये जो लोअर लोअर एनर्जी लेवल है इस केस में मॉलिकुलर ऑर्बिटल के केस में वो है सिग्मा sp। तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, और ये जो हायर एनर्जी लेवल है सिग्मा sp, सिग्मा स्टार sp, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ये वैकेंट रहेगा। और यहां हम देख सकते हैं कि ये जो दो और लेवल्स दिखाए गए हैं बीच में वो क्या है, जैसे यहां पर 1s और 2s था, ठीक इसी तरह ये है 2px2 और 2py2, ये दोनों भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल नहीं है। तो इस केस में अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का, वो क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, यहां हम ले सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो यहाँ बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या है, सिग्मा sp। तो ये सिग्मा sp में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2 माइनस, एंटी बॉन्डिंग क्या है, सिग्मा स्टार sp, ये जो सिग्मा स्टार sp है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 माइनस 0 बाई 2, ये आया 1। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1। अब यहां देखिए, इस कंसिडरेशन में ये सब जो 1s 2s
2px, 2py इन सबको कंसिडर नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जब हम डिटरमिन करते हैं तो उस केस में मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को कंसिडर करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंसिडर नहीं करते हैं। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये नॉन बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें हम कैलकुलेट करते समय कंसिडर नहीं करेंगे। केवल क्या कंसिडर होगा, जिसमें सिग्मा या पाई लगा हुआ, मतलब जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल ये है और ये है, इन दोनों से यहाँ पर बाउंड आ रहा है 2 माइनस 0 बाई 2, ये आ गया 1।